गुड मॉर्निंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट व्हाई शुड पीपल डिसाइड एंड पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। सो नाउ और टुडेज टॉपिक, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। द हार्श एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेड अप द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजन। आफ्टर ब्रिटिश रूल के और पार्टिसिपेशन के बाद अलग अलग डिफरेंट पीपल्स थे, अलग अलग काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल करा इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए, और जितने दैट ऑल द पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। तो इस तरह कहीं ना कहीं सभी लोग, क्योंकि सबने एक साथ एकजुट होके यूनिटी से फ्रीडम दिलाई, इंडिया को इंडिपेंडेंट हुआ था उनकी ही स्ट्रगल के कारण, तो सभी को पार्टिसिपेट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा राइट्स था। सो दस टू फुलफिल द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। दस टू फुलफिल द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन, हमारे जो ड्रीम्स है सपने थे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थे, फ्रीडम जो फ्रीडम फाइटर्स थे और इनके जिन्होंने स्ट्रगल किया था इंडिया को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट करवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जिसमें कुछ रूल्स दिए गए और उन रूल्स में था एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिससे सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया गया, यानी ऑल एडल्ट ऑफ सिटीजन ऑफ देयर कंट्री हैव द राइट टू वोट। जितने भी एडल्ट थे सभी को राइट दिया गया वोटिंग का, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से थे, चाहे किसी भी रिलीजन से थे, कास्ट से बिलोंग करते थे, उनका इकोनॉमिक वे क्या था, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग कर, सबको इक्वल राइट दिया गया वोटिंग का। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। और क्या डिसाइड किया लोगों ने इसके बाद, जो हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे बने, डेमोक्रेटिक बने एंड डिसाइड अबाउट इट्स डेमोक्रेसी ही फंक्शन हो। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर एंड कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया जाए, उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करें वो एक साथ मिलकर हमारे सिटीजन्स के बिहाफ पे डिसीजन ले और गवर्नमेंट को गाइड करें। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। द कंट्री इज divided into numerous constituency and each of these constituency elect one person to the parliament। country को छोटी कई सारी constituency में divide कर दिया गया और उन constituency में से एक person को elect करा जाता था parliament के लिए। जैसे क्लास 7th में आपने स्टेट गवर्नमेंट वाला चैप्टर रीड करा होगा, उसमें क्या था, स्टेट गवर्नमेंट जैसे एमएलए चुने जाते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसको वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दिया जाता था और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक मेंबर क्या होता है एमएलए चूज हो जाता था, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे और वो क्या कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता था। सो लाइक दिस ही, वैसे ही पार्लियामेंट के लिए क्या होता है, जो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनको उनमें से कैंडिडेट खड़े होते हैं और जो जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी में वोट मिलता है वो क्या बन जाता है, वो वहां का एमएलए सॉरी एमपी बन जाता है और वही एमपी बाद में आके कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में। वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और उनमें से एक कैंडिडेट जो होता है वो कहाँ बैठता है, जिसको मेजोरिटी में वोट मिलते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं। दस एमपी टूगेदर मेकअप द, और ये सारे एमपी मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट। द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स, जो लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 ईयर्स के बाद होते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट्स नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जब मेंबर्स बैठ जाते हैं तो पार्लियामेंट्स के कुछ जो फंक्शन हैं वो इस तरह हैं, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी
सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना, पहले सेलेक्ट करना, एंड टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट बनती है जिसकी रूलिंग पार्टी बनेगी उसको क्या करना, उसको कंट्रोल करना, उसको गाइड करना, अगर वो कुछ रॉन्ग वर्क कर रही है तो उसको बताना, एंड लास्ट फंक्शन है लॉ मेकिंग और कानून बनाना. ओके थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. थैंक यू एंड जय हिंद स्टूडेंट.